व्हाट इज अप, मैं हूं अमन नेगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन नेगी फिटनेस। तो गाइस, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप थ्री टिप्स दूंगा जिससे आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को काफी ज्यादा लाइट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, हमारी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन होती है काफी ज्यादा डल हो जाती है, काफी ज्यादा हमारा जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन होता है वो काफी ज्यादा दब जाता है एंड हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है या हमारी स्किन बहुत रफ हो जाती है। कई सारी चीजें, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती है हमें। तो गाइस, आज जो मैं आपको तीन टिप्स बताऊंगा वो ऐसी टिप्स है जो मैं अपनी लाइफ में खुद पर्सनली अपनी लाइफ में मैंने इंक्लूड करी है एंड उससे मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो काफी ज्यादा बेटर रहता है। तो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है। गाइस, हर बॉडी कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा यूनिक है अपने आप में। लेकिन अगर आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइट करना चाहते हैं, अपने नेचुरल स्किन कॉम्प्लेक्शन को वापस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरी जो पहली टिप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है एंड मैं आपसे ये कहूंगा आप इसे जरूर अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना। तो मेरी पहली जो टिप है वो है सनस्क्रीन यूज करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा सनरेज जो होती है वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो एक चीज जो हमें उससे बचाती है वो है सनस्क्रीन। तो गाइज, ये है लोटस हर्बल सेफ सन सनस्क्रीन जो मैं यूज करता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड इससे मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन काफी ज्यादा बेटर हुआ। एंड गाइज, हम लोग सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब हम बाहर बहुत ज्यादा, जब सनलाइट होती है, हमारी स्किन पे सनरेज पड़ रही होती है, तो उससे होता क्या, हमारी स्किन जो होती है वो हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है जो कहलाता है मेलानिन। एंड गाइज, उसी की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डार्क होती है एंड कई बार हमारी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो सनस्क्रीन जो होती है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को डार्क होने से बचाती है, हमारी स्किन को सनरेज से बचाती है। एंड गाइज, एक और फायदा जो है सनस्क्रीन का वो ये है कि जो हार्मफुल यूवी रेज है, यानी कि जो सन रेज है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, उससे हमें स्किन कैंसर का भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो सनस्क्रीन हमें उससे भी बचाती है। तो गाइज, इसीलिए आप लोग अपने शेड्यूल में सनस्क्रीन को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अपने शेड्यूल में सनस्क्रीन को जरूर इंक्लूड करें। तो गाइज, मेरी जो सेकेंड टिप है वो है कोकोनट ऑयल यूज करना। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे घर वाले होते हैं वो हमेशा हमें इंपॉर्टेंस बताते हैं कोकोनट ऑयल यूज करने की, कि कोकोनट ऑयल है वो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोकोनट ऑयल वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए। तो मैं खुद पर्सनली रात में सोते टाइम बहुत थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगा के सोता हूँ। तो इससे होता क्या है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो वो मॉइस्चराइज रहती है एंड गाइज, इससे अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपकी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ रहेगी एंड काफी मॉइस्चराइज रहेगी। तो गाइज, आप कोकोनट ऑयल, आप कोई से भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं अपने फेस पे। आप रात में सोते टाइम अपने फेस पे हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाइए एंड मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप अपने फेस को एकदम फ्रेश वाटर से धो लीजिए। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आएगा एंड आपकी स्किन हमेशा बहुत काफी ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो गाइस, आप कोकोनट ऑयल को जरूर अपनी स्किन पे यूज करिए। गाइस, मेरी जो थर्ड एंड लास्ट टिप है हमारी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा रखने के लिए, बहुत ज्यादा नेचुरल ग्लो लाने के लिए, वो ये है कि फेशियल स्क्रब यूज करना। तो जैसा आपको पता होगा, मार्केट में कई सारे फेशियल स्क्रब अवेलेबल है। तो गाइज, आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं एटलीस्ट 2 वीक्स में। आप एक बार अपने फेस को किसी फेशियल स्क्रब से आप अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं। तो गाइज, इससे होता है कि हमारी जो डेड स्किन सेल्स होती हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को काफी ज्यादा डल बनाती है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को डार्क बनाती है, वो डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं स्क्रब करने से। तो अगर आपके पास फेशियल स्क्रब नहीं है तो आप घर पे भी अपना नेचुरल स्क्रब बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। आपको थोड़ी सी शुगर लेनी है एक बोल में एंड उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है। तो गाइस, कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो लेमन जूस में थोड़ा सा पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर लें।
तो उससे होगा क्या, वो ज्यादा उनकी स्किन को, उनकी स्किन पे इचिंग नहीं करेगी। एंड देन आपको उसमें लेमन जूस में वो चीनी मिला के एंड देन आप उससे बहुत लाइटली ऐसे सर्कुलर मोशन में बहुत लाइटली आप अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं। एंड जब आप अपने फेस को धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लो कर रही है। तो गाइज आप 2 वीक्स में एक बार किसी भी फेशियल स्क्रब से अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हैं एंड आप ये पाएंगे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा नेचुरली ग्रो कर रही है एंड आपका कम्प्लेक्शन काफी ज्यादा बेटर हो गया है। तो गाइज इसी के साथ होती है मेरी वीडियो फिनिश एंड ये थी मेरी 3 टॉप टिप्स जो आपकी स्किन को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल रखेंगी, आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो लाएंगी। तो गाइज जैसा कि मैं एक बार लास्ट बार फिर से बोलूंगा कि हर एक स्किन कलर, हर एक कम्प्लेक्शन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट अगर आपको अपने स्किन को थोड़ा बेटर करना है तो आप इन टिप्स को जरूर इंक्लूड करें। एंड एटलीस्ट किसी भी अच्छी चीज को पाने में टाइम लगता है तो गाइज एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा, लेकिन 1 मंथ के एंड में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइज आप इन टिप्स को जरूर अपने शेड्यूल में इंक्लूड करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। तो गाइज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक दूसरी वीडियो के साथ।